बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोटापे का इलाज बता दीजिए कि जिस तरह जल्दी हमारा वजन कम हो जाए। ये बहुत सी ऐसी बहन बेटियों के सवालात आते हैं और मैं पहले भी इसके मुतल्लिक चंद नुस्खा जात बता चुका हूँ, लेकिन आज जो मैं आपको एक ये नुस्खा मैं आप लोगों के गोश गुजार कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक मुजर्रब और बहुत ज़्यादा हज़ारों बार आजमाया हुआ नुस्खा आप लोगों के गोश गुजार कर रहा हूँ। अब इसमें करना क्या है, आपने सबसे पहली चीज़ जो हमारे घरों में आम अशिया मिल जाती हैं और आसानी से मिलती हैं, इसमें चंद अशिया ऐसी हैं कि जो आपको बाहर बाजार से खरीदनी पड़ेंगी। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, इसमें स्याह मिर्च, काली मिर्च जिसे कहा जाता है, ये दो दाने, ज्यादा नहीं, सिर्फ दो दाने स्याह मिर्च, लौंग दो अदद, दालचीनी का एक इंच का टुकड़ा, उसके साथ अमलतास की फली, ये आपको पंसारी से आराम से मिल जाएगी अमलतास की फली, तो ये अमलतास की फली एक इंच का टुकड़ा और उसके अंदर कलवंजी आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच कलवंजी, ये आपने इसमें अदरक शामिल करनी है एक इंच का टुकड़ा, अदरक एक इंच का टुकड़ा, लेकिन अदरक जो आपने शामिल करनी है वो बारीक काट कर फिर आपने उसमें शामिल करनी है। तो ये आपने दो कप पानी के अंदर इसको आप बॉईल करें, जब पानी एक कप बच जाए तो इसको उतार कर इसके अंदर आधे नींबू को निचोड़ कर और उसके साथ एक चम्मच जंगली खालिस शहद अगर मिल जाए तो सबसे बेहतर है, वरना जो भी हो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने निहार मुंह, ये कहवा आपने निहार मुंह यानी कि खाली पेट, कोशिश करें कि दिन में दो बार पिए, अगर दो बार नहीं पी सकते तो एक बार लाजम पिए। लेकिन ये भी याद रखें कि अगर कोई हामला खातून है या कोई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो वो इस कहवे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर शुगर के मरीज हैं तो वो बगैर शहद के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हामला खातून और उसके साथ, ये मैं वाज़े कर रहा हूं कि हामला खातून इस्तेमाल नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं कर सकती, और ब्लड प्रेशर वाले मरीज वो भी हरगिज़ इस्तेमाल इस कहवे को नहीं कर सकते। तो ये कहवा आप इस्तेमाल करें, यकीन माने एक महीने के अंदर अंदर, एक महीने के अंदर 5 से 6 किलो वजन कम इंशाल्लाह इस एक कहवे की बुनियाद पर होगा कि ये कहवा आप दिन में दो बार पिए और 5 से 6 किलो वजन एक महीने के अंदर घटाएं। दूसरा, उसके अलावा बाहर की खुराक से जितना हो सके परहेज रखें कि बाहर होटलों की खुराक ना खाएं, जितना हो सके घर में जो चीजें बना रहे हैं आप वो खाएं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसके अलावा खीरा, खीरा आप खीरा सलाद में खा सकते हैं, सलाद की सूरत में भी खाएं, जिस तरह आप खाना चाहें आप खीरे को खाएं, अगर खीरे का जूस बनाकर पीना चाहते हैं तो वो तो सोने पे सुहागा है कि अगर आप खीरा और उसके अलावा पुदीना, धनिया, ये तीन चीजें हैं, तीन चीजों का मुरक्कब है, इनका आप अगर जूस बनाकर पीते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं भी है तो कोई मुजायका नहीं है। तो उस सूरत में ये है कि आप अपनी खुराक में जब भी आप खाना खाएं तो उसमें सलाद लाजम शामिल करें और सलाद ज्यादा खाएं। ये यकीन माने कि आप ये एक महीना ये आप नुस्खा इस्तेमाल करें, एक महीने के अंदर अंदर पहले आप अपना वजन कर लीजिए, एक महीने के बाद आप वजन कर लीजिए, 5 से 6 किलो वजन इंशाल्लाह आपका कम हो जाएगा। इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।